कुमार राजपूत, उपखंड अधिकारी विद्युत विभाग सिरसागंज। मैं अपने समस्त किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने खेतों के चारों तरफ जो आप कटीले तार लगा रहे हैं उनको हमारे बिजली के खंभों से कदापि न जोड़े, ना ही उनके चारों तरफ बांधे। प्राय यह देखा गया है कि किसान भाइयों के द्वारा हमारे बिजली के खंभों, चाहे वो सीमेंट वाला हो, चाहे वो हमारा एसटीपी लोहे वाला हो, उसके संपर्क में तार आने से ऊपर जो अर्थ का वायर निकलता है उसमें करंट के प्रवाह होने से कटीले तार में करंट आने की संभावना बनी रहती है, जिससे कोई न कोई विद्युत घटना घटित होने की संभावना भी बनी रहती है। विभाग कदापि नहीं चाहता है कि हमारे किसी भी सम्मानित किसान भाई अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य एवं उनके पशुधन के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय दुखद घटना घटित हो। इसीलिए हमारा आपसे साधारण अनुरोध है कि आप अपने खेतों के कटीले तारों को हमारे पोल से, ट्रांसफार्मर से एवं अन्य बिजली के उपकरणों से, चाहे हमारे पोल की स्टे क्यों ना हो, उससे भी ना जोड़ें, क्योंकि हमारे बिजली के उपकरणों में विद्युत धारा प्रवाह होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। मेरा आप सभी लोगों से यह भी अनुरोध है कि हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनसे भी आप दूरी बनाए रखें, और जो लाइनें हमारी आपके प्रक्षेत्र से, गांव से, गली से, मोहल्ले से, खेतों से गुजर रही हैं उनके नीचे आप किसी भी प्रकार का भंडारण, चारा, बुग्गी, ट्रैक्टर अथवा मकान का निर्माण कार्य ना करें, क्योंकि तार टूटने से अथवा बारिश के समय मूसलाधार बारिश होने पर, विद्युत धारा के प्रवाह होने पर आपके साथ एक दुर्घटना घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए मेरा आप सभी किसान भाइयों से साधारण अनुरोध है कि आप हमारे बिजली तारों से दूर रहें और अपने कटीले तारों को बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।